हरदोई जिले के विकास खंड तड़ियावा के पुरवा देवरिया गांव के रहने वाले प्रगतिशील किसान अरविंद कुमार 3 एकड़ जमीन के मालिक हैं और ट्रेंच विधि से खेती करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज हरियावा शुगर मिल में बुलाए गए प्रगतिशील किसानों के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद कुमार से संवाद किया। अरविंद जी नमस्ते। मैं अरविंद कुमार पुरवा देवरिया जिला हरदोई उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। मेरे पास 3 एकड़ जमीन है, उसमें मैं खेती करता हूँ गन्ना सरसों गेहूँ। तो उसमें मैंने गन्ना बोया है। पहले गन्ना सर बोते थे हम देसी बीज से, अब की देसी जब करते थे सर तब उसको हमने उसमें बोया, पैदावार होती थी 700-800 प्रति हेक्टेयर कुंटल। अब की मैंने बोया है गन्ना जो वो सर मैंने वैज्ञानिक बीज से, उसमें मुझे गन्ना की उपज प्राप्त हुई 2631 कुंटल प्रति हेक्टेयर। उन्होंने प्रगतिशील किसान अरविंद कुमार से पूछा कि क्या वो एथनॉल के बारे में जानते हैं। इस पर अरविंद कुमार ने उन्हें बताया कि शुगर मिल में एथनॉल बनता है जो पेट्रोल में मिलाया जाता है। एथनॉल की बिक्री होने से उनका गन्ने का भुगतान भी जल्द हो जाता है। प्रधानमंत्री ने पूछा कि क्या वो आधुनिक खेती करते हैं। इस पर अरविंद कुमार ने कहा कि वो पहले देशी तरीके से गन्ने की खेती करते थे, लेकिन अब वो ट्रेंच विधि से गन्ने की खेती करते हैं जिससे उनकी उपज और आमदनी में काफ़ी इजाफा हुआ है। अरविंद कुमार ने बताया कि उन्होंने 1 हेक्टेयर ज़मीन पर गन्ने की खेती कर जनपद में सबसे अधिक उत्पादन किया है। पहले वो देशी तकनीक से गन्ने की खेती करते थे, तब उनकी पैदावार 700-800 कुंटल प्रति हेक्टेयर हुआ करती थी, लेकिन जब से उन्होंने ट्रेंच विधि से गन्ने की खेती करना शुरू की है तब से उनकी अधिकतम उपज 2631 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो गई है, जिससे उनकी पैदावार में 3 गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इस मौके पर अरविंद कुमार प्रधानमंत्री मोदी से संवाद कर काफ़ी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि उनके लिए खुशी का पल है और प्रधानमंत्री से बात करवा काफ़ी खुश हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार है, निवासी हम ग्राम पंचायत पुरवा देवरिया थाना टड़ियावा जिला हरदोई उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मेरे पास 3 एकड़ ज़मीन है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी बात हुई, सीधा संवाद हुआ। हरियावा चीनी मिल द्वारा प्रोग्राम हुआ, इसी द्वारा हमारा डायरेक्ट संवाद हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने हमसे सवाल किया कि प्रधान जी अरविंद जी क्या करते हैं आप। हमने कहा सर खेती करते हैं। इन्हें कितनी खेती? हमने कहा सर 3 एकड़। कहें क्या क्या खेती करते हैं? हमने कहा गेहूं करते हैं, सरसों करते हैं, गन्ना करते हैं। कहें कितने दिनों से खेती करते हैं गन्ना की? हमने कहा सर 8 साल से लगभग। कहने 8 साल में आपके उसमें कोई जिज्ञासा नहीं है, आप दूसरी फसल नहीं करते? हमने कहा सर करते हैं, सरसों भी करते हैं। सरसों कितनी पैदावार लेते हैं? हमने कहा सर 1 हेक्टेयर में 24 कुंटल जो पैदावार हमारी हुई है इस साल। तो कहने लगे क्या उसका रेट भी अच्छा मिला? हमने कहा बहुत अच्छा रेट मिला है। कहें बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। उन्होंने कहा सर ये बताइए आपके यहाँ हरियाणा चीनी मिल में इथिलीन प्लांट लगा? हमने कहा सर इथिलीन प्लांट लगा है। उन्होंने कहा इससे क्या लाभ है आपको मिला? हमने कहा इससे लाभ सर ये मिला कि इथिलीन जो बनता है वो डायरेक्ट कंपनी में बिक जाता है, उससे जो है ये पेट्रोल में मिलाया जाता है, उससे प्रदूषण भी नहीं होता है और पर्यावरण भी शुद्ध रहता है। और उसका जो पेमेंट है कंपनी को मिल जाता है, हरियाणा चीनी मिल को, उससे किसान भी जल्दी पेमेंट मिल जाता है, उससे किसान खुशहाल है। फिर उन्होंने कहा आप जैविक खेती करते हैं? हमने कहा सिर्फ जैविक खेती करते हैं। तो कहा जैविक खेती में क्या लाभ? हमने कहा जैविक खेती से लाभ है जो पर्यावरण शुद्ध रहेगा, बाकी उपज बढ़ी है। पहले जो मेरी उपज होती थी पुरानी खेती जो करते थे उसमें 1 हेक्टेयर में वही 700-800 कुंटल प्रति हेक्टेयर, अब जो मेरी क्रॉप कटिंग हुई है उसमें 1 हेक्टेयर में 2631 कुंटल प्रति हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में 260 टन पैदावार मेरी हुई है, जो मेरी प्रदेश में नंबर 1 पे है। यही सर मेरी बात हुई। बाकी मैं बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। ये तो मांगे हमारी सही है, मगर हमने ये मांगे हमने रखी नहीं। फिलहाल जो है मांगे ये हैं कम से कम 350-400 रुपये प्रति कुंटल होना चाहिए। उससे जो है अब देखिए डीजल भी महंगा हो गया है, डीजल के देख रेख के लिए उन्होंने ये सुझाव दिया कि आप जो है सोलर प्लांट लगवाइए। हमने कहा सर मेरा समर है, सोलर प्लांट नहीं, कहे सोलर प्लांट लगवाइए। नवाड़ योजना से सोलर प्लांट लगते हैं, उसमें लगभग
छूट भी मिल जाती है। हमने कहा सर सोचेंगे। हम भी किसानों को कहते हैं जैसे आपके पास डीजल नहीं है, डीजल बहुत महंगा है, या तो समर बिजली कनेक्शन लीजिए या फिर सोलर प्लांट लगवाइए। ये सुझाव सर दिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उसको हम लोग पालन करेंगे। हम ये कहा जैविक खेती आप करिए और सबको भी कराइए। नगर सर यही